अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का जमात दहम का साइंस फर्स्ट का तीसरा चैप्टर, कीमियाई तामुलात और मसावातें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ऑल पर, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, और ये जो है हमारा नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल, वो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं देने आपको। वहाँ पर उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, 8, 9, 10 तीनों क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, और इन सब जितने भी सब्जेक्ट उनके क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं और आपको ग्रामर वगैरह समझाए जाते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, आप लोग को बस सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है हमसे, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ाई करते रहो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखा कर। करें ठीक चैप्टर है हमारा कीमियाई तामुलात और मसावातें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगी ना, वो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले साइंस फर्स्ट का 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है, 2-3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, 1, 2, और 10। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख ले। और आप लोग ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया कीजिए, आपके लिए वहाँ कोई ना कोई वीडियो मौजूद रहती है आपके हेल्प के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ज़्यादा ना बोलते हुए। ओके, मैं आप लोग को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कीमियाई तामुलात और मसावातें, ये चैप्टर को अगर आपको समझना है तो एक पॉइंट है गिरफ्त, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आते तो ठीक, नहीं आते तो उनको बता दूँ, क्योंकि ये आप 8 में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो और 10th के भी दूसरे चैप्टर में, यानी अनासिर का जो दौरी जमातबंदी का चैप्टर है उसमें भी गिरफ्त का पॉइंट है। अगर आपने नहीं जानते हो गिरफ्त क्या है, तो चलो पहले मैं सबसे पहले गिरफ्त समझा देती हूँ गिरफ्त क्या होता है। ठीक है, मिसालें हम लोग यहाँ पर लेते हैं और आपको समझाते हैं। और गिरफ्त की है ना, जो साइंसी ज़बान में गिरफ्त को कहा जाता है, मतलब गिरफ्त की तारीफ़ क्या है साइंसी ज़बान में, है ना। तो गिरफ्त की जो है ना तारीफ़ है, यानी गिरफ्त को की तारीफ़ यही आपको एग्ज़ाम में हो सकता है पूछें, तो आप लिखेंगे अनासिर के जोहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त को तय की जाती है, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन इसकी सही डेफिनेशन ये है कि अनासिर के जोहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है। तो चलिए मैं स्क्रीन पे एक बार लिख देती हूँ, ताकि आप लोग नहीं जानते हो तो एक बार नोट कर ले, है ना, नोटबुक में। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दी हूँ गिरफ्त, यानी अनासिर के जोहर के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है, ये गिरफ्त की डेफिनेशन है यानी उसकी तारीफ है। तो चलिए मैं एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि गिरफ्त किस तरह समझा जाता है। ओके, अनासिर में मैंने जो आपको गिरफ्त की डेफिनेशन समझाई हूँ वो आपको बस ध्यान में रखना है। अब क्या है कि हमने डेफिनेशन पढ़ा कि अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है ना। तो क्या होता है, जो अनासिर होता है ना उसके 4 होल होते हैं, जैसे कि KLMN, ये अनासिर के 4 होल होते हैं। तो यहाँ पे K में 2 ही इलेक्ट्रॉन समाएंगे, मैंने सबके आगे लिखी हूँ, L में 8 इलेक्ट्रॉन समाएंगे और M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन समाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी Na और यानी सोडियम और Cl हमने लिया है एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो Na जो है और Cl क्या है, Na तो सोडियम है और सोडियम का जोहरी अदद क्या हो, कितना है, तो 11 है ना, सोडियम का जोहरी अदद हमको सबको पता है। ठीक है, तो सोडियम का हम टुकड़े, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर हम करते हैं तो सोडियम पहले में तो 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सोडियम पहले में तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा कितने,
तो 9 बचे है ना, जब 11 में से 2 गए तो 9 इलेक्ट्रॉन बचे अभी है ना, तो ये 8 तो ये पूरा ले लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं ना, इसमें 2 आ गए तो पूरा पूरा ले लिया। और उसी तरह उसके पास आप सिर्फ सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि के मदार में तो 2 आ ही गया और एल मदार में तो 8 आ ही गया, तो बचा एक, तो एक हो गया। यानी आपको एक चीज़ अब यहीं पे समझ में आएगी, क्या आएगी कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आखिरी मदार क्या होगा, ये इसका आखिरी मदार, ये जो एक है ना, ये जो एक क्या है, इसका आखिरी मदार है सोडियम का। और सोडियम का जो आखिरी मदार एक है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद उसके आखिरी मदार में ही उसकी गिरफ्त कहलाती है, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, एक है। यानी सोडियम की जो गिरफ्त होगी वो क्या होगी, एक होगी। यानी सोडियम की गिरफ्त एक ही होगी, समझा ना, यानी ये जो एक है वो सोडियम की गिरफ्त हो गई क्योंकि इसके आखिरी मदार में आया। ओके चलिए एक और जो हम इसका ले लेते हैं, क्लोरीन दी, एक और ले ली हमने यहाँ पे 17, ठीक है। अब क्लोरीन से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो होगा 2, 8 और 7, क्योंकि 2 तो पूरा ले ही लेगा, 8 8 ले लेगा, और इसमें कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। अब देखिए, अब एक और चीज़ ट्विस्ट है यहाँ पे, क्या है कि अगर इसमें, यानी अगर क्लोरीन के पास एक और यहाँ पर 7 की जगह अगर 8 होते तो ये अपनी मुसम्मनी हालत कंप्लीट कर लेता है ना, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, किसी के साथ भी जुड़ेगा, यानी ऐसे अनासिर के साथ जुड़ेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको वो दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम के साथ जुड़ेगा, सोडियम को बोलेगा कि तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, ठीक है। तो सोडियम बोलेगा ठीक है, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, मांगेगा ना। तो सोडियम जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्लोरीन को, तो अपने ऊपर एक मजबूत बार बनाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर क्लोरीन इससे एक ये लिया ना, एक उसने लिया, तो क्या होगा कि अपने ऊपर एक मनफी बार बनाएगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों का रिएक्ट कराएंगे, कीमियाई तामुलात कराएंगे, तो देखिए ये तो एक इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया, 8 अपना मुसम्मनी हालत कंप्लीट कर लिया है ना क्लोरीन ने। तो जब इनको हम जोड़ेंगे, यानी Na+Cl, तो क्या बनेगा, NaCl। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे बताई, ठीक है। यानी यहाँ पर भी वही बन होगा, NaCl ही जुड़ेगा, हाँ NaCl, तो क्या बनेगा, नमक बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह समझा ना, यानी आखिरी मदार, ये जो आखिरी मदार था यही उसकी गिरफ्त हो गई, उसी तरह क्लोरीन का आखिरी जो था वो 7 था है ना, आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्लोरीन के 7 थी, फिर उसने क्या किया, सोडियम के साथ एक लिया है, एक लिया अपना एक इलेक्ट्रॉन उससे लिया, अपने ऊपर मनफी बार बना लिया है ना, तो अपने ये एक लेकर अपना 8 कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉन, और मुसम्मनी हालत कंप्लीट कर लिया अपना। तो देखिए और एक और चीज़ आपको समझा देती हूँ, अब देखिए ये NaCl अभी जुड़ा नहीं है, अभी जुड़ेगा, ये NaCl क्या हुआ, ये आमिल अशय हो गया, और ये जो जुड़कर NaCl बन रहे हैं ये क्या हो गया, हाशिल अशय हो गया। समझ में आया, बहुत ईजी था, कोई नहीं, नहीं समझा तो फिर से समझा देती हूँ। देखिए N+Cl क्या हुआ, यानी ये जो अभी हमें पता है कि ये क्या है, NaCl का आगे हम कीमियाई तामुलत कराने वाले, यानी कीमियाई रिएक्ट हम उसका कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो ये NaCl बनेगा है ना, यानी सोडियम क्लोराइड नमक बनाएगा, जो आम नमक हम घर में यूज़ करते हैं, ओके। तो ये Cl हो गया NaCl, ओके। तो अब ये क्या है, ये हो गया आमिल अशय, मैं लिख देती हूँ आमिल, और ये हो गया हाशिल, यानी आमिल अशय और हाशिल अशय, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा होगा। उसी तरह मैं एक और पिक्चर आपको दिखा देती हूँ और उससे समझाती हूँ कि ये कैसे हुआ, ठीक है, उससे भी शायद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, किसी को डाउट होगा तो। कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए बोल रही हूँ, कमेंट कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। चलिए तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, फिर उसके आंसर ही करती हूँ। ये शक्ल देख कर आपको क्या नज़र आ रहा है, हैप्पी बर्थडे वाला केक है ना। अब केक को छोड़िए, आप कंसंट्रेट कीजिए उसके बाजू वाली चीज़ों पर, ये क्या है, अंडा है, ये क्या है, शक्कर है, ये क्या है, दूध है, ये क्या है, आटा है, और ये क्या है, वैनिला, ठीक है। इतना चीज़ समझा, ये 5 चीज़ें क्या है, इनकी
ये क्या है, इनसे क्या बना है, यानी यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मिलकर केक बनाया गया है ना। तो अब केक कैसे बना वो हम जानेंगे, है ना। वो हम अभी हम ना इंग्री वो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ बस कि हामिल अशिया और हासिल अशिया क्या होता है। तो आमिल अशिया देखिए, ये वैनिला, ये आटा और ये दूध, ये शक्कर, ये अंडा, ये क्या हो गया, आमिल अशिया। जब ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी आपस में तो एक नई अशिया बनाएगी, केक बनेगी, तो वो हमारा हासिल अशिया हो गया। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों से मिलकर ही बनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें भी आमिल अशिया है, लेकिन ये सारी चीज़ बनाएगी, एक नई चीज़ बनेगी, वो उस चीज़ का नाम होगा केक, है ना। वो केक क्या होगा, हाशिल अशिया होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मिलकर बनाएगी तो वो आमिल अशिया होगी, और नई चीज़ें जो बन गई तो वो हो गई हाशिल अशिया। समझ में आया, उम्मीद है आपको समझा होगा ये पॉइंट अच्छे से। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आपका कि चैप्टर का पॉइंट, ओके। तो देखिए अब हम देखेंगे कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। तो क्या है, 18वीं और 19वीं सदी में बाद साइंसदानों ने कीमियाई तामुल से मुतालिक बुनियादी तजुर्बात किए। उन्होंने तजुर्बात से साबित किया कि कीमियाई तामुल के दौरान मादे की साख्त में तब्दीली वाक़ होती है, और ये तब्दीली मुश्तकिल नौयत की होती है। इसके बरक्स तबई तब्दीली के वक्त सिर्फ मादे की हालत या सूरत में तब्दीली होती है। ये तब्दीली बसा औकात बिल्कुल आर्जी नौयत की होती है। यानी कि 18वीं और 19वीं सदी यानी 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने कीमियाई तामुल्स के ज़रिए मतलब रिसर्च किया, तो उन्होंने मतलब रिसर्च के दौरान उन्होंने ये बात साबित कर दी मतलब रिसर्च से कि कीमियाई तामुल के दौरान जो मादे की साख्त होती है ना उसमें तब्दीली हो जाती है, और वही तब्दीली क्या होती है, मुश्तकिल नौयत की हो जाती है। लेकिन इसके उल्टा यानी इसके बरक्स तबई तब्दीली जो है, क्योंकि अभी तक तो हम कीमियाई के बारे में पढ़ रहे थे ना, लेकिन इसके बरक्स क्या है, तबई तब्दीली यानी इसके अपोजिट में जो तबई तब्दीली के वक्त क्या होता है, सिर्फ मादे की हालत या सूरत में तब्दीली होती है, ये तब्दीली बस औकात बिल्कुल आर्जी नुयत की होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में फ़र्क क्या है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे फोटोज़ दिखाती हूँ और समझाती हूँ, ओके। मतलब फोटोज़ ने लिखा हुआ ही है, ओके। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले हम तबई तब्दीली पढ़ेंगे, उसके बाद कीमियाई तब्दीली। सबसे पहले तबई तब्दीली के बारे में जानते हैं हम लोग। तबई तब्दीली का पहला पॉइंट है, ये पॉइंट पढ़ने से पहले एक और बात बता दूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में फ़र्क वाजे कीजिए, तो आपको इसी तरह बॉक्स बनाने, इसी तरह लिखने, ठीक है, और पॉइंट वाइज लिखने, ओके। और यही पॉइंट भी लिखेंगे तब भी चलेगा, यानी आपके पास और दूसरा पॉइंट हो सकता है तो आप वो भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। लेकिन ये भी पॉइंट लिखोगे तो चलेगा क्योंकि आपको मार्क्स मिलेगा, ओके। सबसे पहले पहला पॉइंट है तबई तब्दीली का, दर्ज हरारत दबाव जैसे आबाद के बदलने की वजह से तबई तब्दीली वाक़ होती है। दूसरा पॉइंट है तबई तब्दीली रज़ी होती है। तीसरा पॉइंट है इस तब्दीली में मादे की साख्त वही रहती है, जैसे मिसाल के तौर पे है। चौथा पॉइंट हम मिसाल दे देंगे, मिसाल के तौर पे बर्फ़ का पानी में तब्दील होना। अब देखिए तबई तब्दीली क्या होता है, बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, इस बात से वाजे हो जाता है कि अगर आप कोई बर्फ़ को पानी में तब्दील करते हो तो आप उसको फिर से बर्फ़ बना सकते हो, यानी उसको वापस उस हालत में ला सकते हो, तबई तब्दीली इतना समझो। क्योंकि तबई तब्दीली जैसे यहाँ पे बोला है ना, बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, तो हमने क्या किया, फ्रीजर खोले, फ्रीजर में से बर्फ़ निकाले, कुछ देर बाद देख रहे हैं कि हम तो जूस बनाने वाले थे ना, एकदम कूल कूल ठंडा ठंडा वाला, है ना, है ना, उसमें बर्फ़ डालने वाले थे तो बर्फ़ तो पिघल गया, भाई अब तामुल या वाक्य की वजह से कीमियाई तब्दीली मादे में कुछ। दूसरा पॉइंट है
होती है। तीसरा पॉइंट है, किसी अमल में मादे की साख में तब्दीली होती है तो उसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। बता देती हूँ मैं, खाना पकाना। अब क्या है कि खाना पकाना यहाँ पे बोला गया है, आपने सामान लिए मतलब सब्जी काट, क्या सब्जी को उसकी पहली हालत में आप ला सकते हो? जैसे सब्जी को लौकी है, मान लो ये लौकी है, ओ सॉरी कुछ और ही बन गया है ना, ठीक है, लौकी को हमने चाकू से काट दिया इस तरह, ठीक है, चाकू से काट दिया, अब ये कट जाएगी यानी टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी लौकी, लेकिन आप इसकी सब्जी बना लेते, क्या फिर से आप इसको लौकी को ये सीधे वाली जो उसकी पहली वाली हालत यानी जो इस तरह शक, ओके तो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 पे यानी 30 पर सफा ये बॉक्स दिया गया है, ये टेबल दिया गया है, तो इसमें वाक्य बताया है और आपको बताना है कि ये तबई तब्दीली है या फिर कीमियाई तब्दीली। तो पहला है था बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, तो ये तबई तब्दीली है, क्यों? क्योंकि हम है ना बर्फ़ को पानी में तब्दील कर सकते हैं, मतलब बर्फ़ का तो पानी में तब्दील हो ही गया लेकिन हम पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, यानी तबई तब्दीली में ये होता है कि वो अपनी पहली हालत में यानी पुरानी हालत में वापस आ जाता है। उसी तरह दूसरा है खाना पकाना, तो खाना पकाना कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि हम खाना तो बना लेते हैं, खाना मजे से बना लिए, सब्जी वगैरह बना लिए, तो हम सब्जी को वापस उसकी पुरानी हालत में लाते ला पाते नहीं, है ना। उसी तरह तीसरा है फूलों का पकना, फूलों का पकना भी है ना कीमियाई तब्दीली होगा, क्योंकि फूल एक बार पक गए तो दोबारा उसको आप पुरानी हालत में नहीं ला सकते हो, ठीक है। और उसी तरह चौथा है दूध का दही में तब्दील होना, तो दूध का दही में तब्दील होना भी कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि दूध का दही एक बार बन जाता है वापस आप दही को दूध में नहीं ला सकते हो, ठीक है। उसी तरह पांचवा है पानी का भाप बनना, हाँ ये तबई तब्दीली होगा, क्यों? क्योंकि है ना आप देखो पानी के तो भाप बन के उड़ जाता है, फिर आबी बुखारा जमा करके वो क्या हो जाता है, फिर पानी बन जाता है, ठीक है। उसी तरह छठा है मैदे में गिजा का हजम होना, अगर एक बार मैदा में क्या होता है मैदे में गिजा आपका हजम हो जाता है, वो दोबारा हो सकते, वो दोबारा वापस आ सकते क्या? नहीं, है ना। उसी तरह सातवा है, एक सेकेंड, हाँ सातवा है नेफ्थैलीन यानी डामर की गोली को हवा में खुला रखने पर उसकी जसामत का कम होना, तो ये है ना कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि आप कीमियाई तब्दीली है ये, क्यों? क्योंकि है ना अब हवा से वापस थोड़ी ला सकते आप उसको, उसकी जसामत हवा की वजह से कम हो गया तो आप हवा में से वापस उसको ला सकते हो, नहीं। उसी तरह आठवा है शाहबादी फर्श यानी कड़प्पा फर्श पर लेमू के रस का दाग लगना, ये दाग लगना भी ना एक केमिकल रिएक्शन यानी कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि अगर आप इस पे देखा जाए तो ये दाग वापस हटता नहीं है, है ना, क्योंकि लेमू का रस बताया गया है ना, इसके रस से दाग लग जाता है, बिल्कुल नहीं हटता, अगर यकीन ना हो तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लें, ओके। उसके तरह फिर नौवा क्वेश्चन है ऊंचाई से गिरकर कांच की शेका टूटना, यानी ऊंचाई से कोई ऊंची जगह से आपका एक कांच का डब्बा वो टूट गया, तो ये कौन सी तब्दीली होगी, तबई तब्दीली या कीमियाई तब्दीली? तो ये होगी तबई तब्दीली, तबई तब्दीली होगी, ओके। तो ये जो है ऊंचाई से गिरकर कांच की शेको टूट जाना, ये तबई तब्दीली है, क्यों? क्योंकि देखो जब कांच ऊपर से गिरता है तो वो टूट जाता है लेकिन उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती है, हाँ इसीलिए तबई तब्दीली होती है, क्योंकि मतलब उसकी जो बंदिशें होती है वो नहीं टूटती, वो गिरने के बाद भी कांच ही रहता है, कुछ और प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं बनता है, वो कांच ही रहता है, इसीलिए वो तबई तब्दीली होगी, ठीक है। चलिए देखते आगे का, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट कीमियाई मसावाते जो आपको दी हुई है केमिकल इक्वेशंस, ओके। पहले हम
एक कीमियाई तामुल का मुशाहिदा करेंगे। अम्ली काम दो में कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले रंग के महलूल में जिस्त का सफूफ यानी जिंक डस्ट डालने पर जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का बेरंग महलूल तैयार होता है। इस कीमियाई तामुल के जेल के मुताबिक मुख्तसर सूरत में दिखाया जा सकता है। यानी आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो क्या हुआ था कि पहले हम एक कीमियाई तामुल का मुशाहिदा करते हैं और अमली काम जो दो था उसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के नीले रंग के महलूल में जिंक का सफूफ यानी जिंक का सफूफ डाला गया तो वो क्या बन गया। अब Cu को हटाकर वो ZN है उसकी जगह ले लेगा यानी ZnSO4 बन जाएगा का बेरंग महलूल तैयार होता है। ठीक है, और इस कीमियाई तामुल को इसके ज़रिए हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट का भी महलूल जमा हो गया जस्ट का सबूत। अब इनके बीच क्या हुआ, दरमियान तीर का निशान लगा दिया गया। ओके, अब तीर का निशान लगा दिया गया तो अब बताया गया है कि यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट होगा ना वो जिंक की जगह मतलब जो कॉपर सल्फेट को हटाकर जिंक उसकी जगह ले लेगा और प्लस तांबा कर देगा। ठीक है, यानी Cu आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, एक सेकेंड ना, जो कमज़ोर कमज़ोर ये रहते हैं ना उनको हटा देते हैं और उनकी जगह वो ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे कॉपर क्या किया मतलब कॉपर को हटा दिया और जिस जगह ले लिया यहाँ पर जिंक, है ना, कॉपर को हटाया जिंक जगह ले लिया, उसी तरह कॉपर इसके बाजू में आ गया। ठीक है, तो इस तरह महलूल आया गया है नंबर एक। और इस तरह की मैं तामुलात को आसान सूरत में लफ्ज़ों के ज़रिए करने को लफ्ज़ी मसावात कहते हैं। यानी इस तरह आपको जो पेश किया जाए यानी बिल्कुल लिखा हुआ, एक सेकेंड अभी देता समझाती हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट का अभी महलूल इसमें इस तरह नहीं लिखा है ना, बिल्कुल इस लिखा हुआ है, ये हुर्फ में लिखा हुआ है तो यानी लफ्ज़ में लिखा हुआ है ना। तो क्या बोला गया है कि इस तरह के जो कीमियाई तामुलात को अगर आसान तरीक़ों मतलब आसान सूरत में लफ्ज़ों के ज़रिए जाहिर करने को क्या कहा जाता है, लफ्ज़ी मसावात कहा जाता है। ठीक है, और इसी लफ्ज़ी मसावात को मज़ीद मुख्तसर सूरत में कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके ज़ेल के मुताबिक लिखते हैं। यानी अब ये देखिए क्या है, कॉपर का आबी महलूल यानी CuSO4 हो गया। ठीक है, जिस्त का सफू जिंक, ठीक है, उसके बाद जिंक सल्फेट का आबी महलूल तो ZnSO4 हो गया और तांबा तो Cu कॉपर हो गया। यानी इस तरह क्या होता है कि ये कीमियाई इसका है ना, ये कीमियाई ज़ाब्ता हो गया। आपको एग्ज़ाम में अगर लफ्ज़ी तरीके से बोला जाए तो इस तरह लिखना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आप कीमियाई ज़ाब्तों के हिसाब से लिखो तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का देखते हैं। कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुलात को जाहिर करना कीमियाई मसावात कहलाता है। ठीक है, यानी इस तरीके से जो जाहिर किया जाता है कीमियाई मसावात के ज़रिए जो जाहिर किया जाता है उन्हें कि मतलब कीमियाई तामुलात के ज़रिए कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए जो जाहिर किया जाता है उन्हें कीमियाई मसावात कहलाता है। ठीक है, दर्ज बला मसावात में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और जिंक आमिल अशिया है। इन दोनों के दरमियान कीमियाई तामुल होकर बिल्कुल ही मुख्तलिफ खसूसियात रखने वाले तांबे के ज़रात और बेरंग जिंक सल्फेट का महलूल हाशिल अशिया के तौर पर मिलते हैं। तामुल के दौरान आमिल शे की CuSO4 में आयन गिरफ्त टूटती है, इस तरह हाशिल से ZnSO4 में आयनी गिरफ्त तामुल के दौरान बनती है। यानी क्या होता है कि ये जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 और CuSO4 क्या होगा प्लस में जिंक को आमिल अशिया में लगाएगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, कीमियाई तामुलात होगा, कीमियाई रिएक्ट हो केमिकल रिएक्शन होगा और ये केमिकल रिएक्शन बिल्कुल अलग होंगे, अलग खसूसियात रखेंगे और तांबा यानी जो कॉपर है कॉपर के ज़रा कॉपर को क्या करेगा, अब इससे जब ये क्या होगा कि CuSO4 को हटाएगा और जिंक उसकी जगह ले लेगा, है ना, तो ये बन जाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा। यही यहाँ पे बोला कि बेरंग जिंक सल्फेट का महलूल हाशिल अशिया के तौर पे मिलते हैं, तामुल के दौरान आमिल अशिया यानी CuSO4 में आयनी गिरफ्त टूट जाती है, इसी तरह हाशिल से यानी ZnSO4 में आयनी गिरफ्त तामुल के दौरान बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं और
आगे का है ना पार्ट टू जो आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कीमियाई तामुलात और मसावाते का, उसमें आपको आगे का समझाया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू जल्दी आएगा। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे एक्सप्लेनेशन का वीडियोस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग देख लें इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 10 का, ठीक है। और आपको दूसरे हिंदी वगैरह की भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना ये क्वेश्चन आंसर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें, ओके, अपने साथ अपने माँ बाप का ख्याल रखें।